नमस्कार ये चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको एच पी एक प्रिंटर के बारे में बताएंगे एच पी एक प्रिंटर को प्रिंट कमांड देते हैं उसके बाद में ये प्रिंटर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट का नाम आता है और प्रिंट नहीं करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो चलते हैं प्रिंटर के पास में और आपको दिखाते हैं तो ये मेरे पास में एच पी प्रिंटर है मैं इसको ऑन करता हूँ और डिस्प्ले के अंदर जैसे कमांड लगाता हूँ कमांड लगाते ही ये मैसेज आएगा और प्रिंटर वर्क भी नहीं करेगा तो सबसे पहले मैं पावर ऑन करता हूँ मैंने प्रिंटर का पावर ऑन कर दिया है प्रिंटर रन भी हो गया है यह प्रिंट रन हो गया है यहाँ पर इंस्टॉलेशन नाम आ रहा है और अब यहाँ पे रेडी आ गया है मैं मेनू के अंदर जाऊँगा और रिपोर्ट पेज है रिपोर्ट पेज करके और डेमो पेज मैं प्रिंट करूँगा जैसे डेमो पेज मैं प्रिंट करने के कमांड दिया है प्रिंटर एक बार वर्क किया है फिर बंद हो गया है तो दोस्तों इस टाइप से जो समस्या आ रही है उस समस्या को फाल्ट फाइंड करने के लिए आपको पावर कार्ड पे वर्क करना है पावर कार्ड और हीटिंग प्रॉब्लम की यह समस्या होती है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये प्रिंटर है और इस प्रिंटर के इस साइड का कवर आपको ओपन करना है पावर साइड वाला तो मैं ये कवर ओपन कर लेता हूँ जो तो मैंने कवर हटा दिया है कवर हटाने के बाद में समस्या या जो आपको बताया ये समस्या मिलेगी ये हीटिंग हीटर है हीटर का ये वायर है इस पर सप्लाई नहीं आती है या अंदर का हीटर ख़राब है तो सबसे पहले आप सप्लाई टेस्ट करनी है आपको किस प्रकार से टेस्ट करोगे तो ये मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आपको कनेक्टर हटाना है यह मैंने कनेक्टर हटा लिया अब इसके अंदर दो पॉइंट है दिया हुआ तो दोनों पॉइंटों को क्या करना है मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज टेस्ट करना है तो मैंने एसी पे ये वोल्टेज कर दिया छः वोल्टेज पे मीटर एसी मैंने वोल्टेज सेट कर दिया है अब मैं मीटर को क्या कर रहा हूँ मीटर के दोनों वायरों पॉइंट है उनको यहाँ पे टकरा देता हूँ ये मैंने टकरा दिया है टकराने के बाद मैं प्रिंटर की सप्लाई ऑन करूँगा यह मैंने ऑन किया है ऑन करने के बाद में ये दोस्तों वोल्टेज नहीं यार ये वोल्टेज करीब उनतीस वोल्टेज वैसे दिखा रहा है करीब दो सौ ढाई सौ वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस बोर्ड की समस्या है तो बोर्ड की समस्या दूर करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना होगा इस बोर्ड को हटाना है हटाने के बाद में देखना है कि यहाँ पर एक मोसपेड लगा होता है और उनकी ये जो सप्लाई ए की उसमें आपको चेक करना है तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं देखते हैं इसमें क्या समस्या है तो मैं बोर्ड हटाने के लिए जो कनेक्शन है उसको मैं अनप्लग कर देता हूँ ये मैं अनप्लग कर रहा हूँ ये बोर्ड मैं पूरा बाहर नहीं निकालूंगा बाहर यदि पूरा निकालेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा पूरा प्रिंटर ओपन करना पड़ेगा इससे टाइम ज़्यादा लगता है और ये शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए ये मैंने कनेक्शन है ये कनेक्शन मैंने हटा दिया है कनेक्शन हटाने के बाद में आपको क्या करना है बैक साइड में स्क्रू दिए हुए स्क्रू को आप सबसे पहले आपको ओपन करना है वन बाय वन ये स्क्रू ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान दे और कार्ड को हटाना है इससे प्लास्टिक वाले ये जो लोक है उनको भी आप निकाल लेना ताकि इसमें दिक्कत ना आए अब मैं ये निकाल लेता हूँ निकालने के बाद में देखते हैं तो ये जो मोस्ट पेट लगा हुआ था अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ उसमें मेरे को एक कम जो समस्या है वो नज़र आ गई है आपको ये जूम में नज़र आ गई यहाँ पे ये देखिए ये हिल रहा है ये पॉइंट है ये हिल रहे हैं ये देखिए ये पॉइंट हिल रहे हैं इसका मतलब ये सही नहीं है ये डी शोल्डर है ये हिला हुआ है कहीं से ब्लेड प्रेस होने की वजह से या तो ये मोस्ट प्लेट ख़राब होता है या इस मोस्ट प्लेट को यहाँ से सप्लाई नहीं मिलती है ब्रेक होती है तो ये सामने है कि तो ये हिला हुआ है यहाँ पर पॉइंट छोड़े हुए हैं इसको मतलब ये पॉइंट ब्रेक ही है आपको इसको सोल्डर करना है अच्छी तरह से उसको सोल्डर कर दीजिए उसके बाद में टेस्ट करते हैं टेस्ट करने के बाद में देखते हैं प्रिंटर में समस्या दूर होती है या नहीं हो रही है तो मेरे पास में मेरे पास में ये फ्लेक्स भी है और ये रंगा है दोनों मेरे पास में मैं यहाँ पे रख लेता हूँ दोनों को और अब क्या करते हैं कोई भी नुकली चीज़ से पेचकस या जो भी आपके पास में अवेलेबल हो ये पेस्ट है ये पेस्ट लगा देना पॉइंटों पे मैंने ये तीनों पॉइंटों पे, पे पेस्ट लगा दिया है और उससे पहले आप एक काम कर सकते हैं मीटर के अंदर मैंने ये कंटिन्युटी पे मैंने सेट कर दिया है कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद में आप मीटर में देखिए बीप की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे पॉइंट आप टेस्ट कर सकते हो ये देखिए ये पॉइंट ओपन है अभी तक कोई बीप नहीं आ रही है इसका मतलब ये पॉइंट ओपन है यहाँ से तो आपको सोल्डर करना है तो मेरे पास में ये सोल्डर आयरन है अब इसको मैं लगा दिया है ये मेरे पास में गर्म है और देखते हैं गर्म हो गया है तो उसको सोल्डर कर देते हैं ये गर्म हो रहा है ये मैंने एक बार सोल्डर किया है अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर सोल्डर हुआ है या नहीं हुआ है कंटिन्यूटी में चेक कर लेते हैं एक बार ये कंटिन्यूटी बता रहा है इसका यह सोल्डर हो गया है दूसरा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है और इसको भी चेक कर लेते हैं यह भी कंटिन्यूटी बता रहा है बीप आ गया इसका मतलब ये सोल्डर हो गया है अब इसको इंस्टॉलेशन करके देखते हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए जैसे हमने ओपन किया था उसी टाइप से आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ यह आपको नज़र आ गए सभी जो कनेक्शन है वो मैंने कर दिया है अब हम प्रिंटर को चेक करते हैं सबसे पहले पावर लगा के प्रिंटर को ऑन करेंगे ये प्रिंटर ऑन हो रहा है डिस्प्ले में आपके सामने डिस्प्ले नजर आ जाएगी अभी ये डिस्प्ले आपको नजर आ रही है अब रेडी लिखा हुआ आ गया है अब हम सबसे पहले मेनू में जाएंगे मेनू में जाने के बाद में प्रिंट रिपोर्ट है ये करेंगे करके ओके करेंगे ये पेज लगा हुआ है आपके सामने ये प्रिंट आ गया है तो इस प्रकार से हमने ये जो समस्या दूर की है आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए